इनेलो कांग्रेस आदि पार्टियों को छोड़कर करीब 150 लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। मेवात के पिछड़ेपन के पिछले कांग्रेस और इनेलो जिम्मेदार हैं, यह वक्तव्य आलम ने कहा। मेवात के फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांव ढांडा बुवलहेड़ी में बुधवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मेवात जिला प्रमुख अनीशा बानो के ससुर आलम उर्फ मुंडल द्वारा आयोजित किए गए सम्मान समारोह में इनेलो कांग्रेस आदि पार्टियों को छोड़कर करीब 150 पंच सरपंचों और इलाके के प्रमुख लोगों ने भाजपा का दामन थामा। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने भाजपा में शामिल होने पर भाजपा नेता गदगद नजर आए। मेवात भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि इस बार मेवात की तीनों विधानसभाओं पर भाजपा की जीत पक्की है। प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष आलम मुंडल के सम्मान समारोह कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप आर्य, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सैयद तैयब हुसैन, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेश सरपंच सहित कई वार्डों के जिला पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर मुंडल ने कहा कि जितना विकास भाजपा सरकार ने किया है उतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल रही है। मुंडल साहब, आज कितने लोगों ने भाजपा का दामन थामा है, कौन कौन लोग हैं, इससे क्या उम्मीद जगी है आगे, जिस तरीके से लोगों ने एक साथ होकर जो है समर्थन दिया? और कांग्रेस का कम करीबी 150 लोग ने, जो अपने जिम्मेदार आदमी है, चौधरी भी था, ब्राह्मण भी, सरपंच भी था, जिनने आज अपना मन बना के और एक मीटिंग करके और जब जाके भी जो प्रोग्राम आज हुई है, यो इन्हें पूरा मन बना के और सरकार का विकास देख के और सरकार का काम बढ़िया देख के, जो हमारे जो आज की तारीख में जो काम चल रहा है, जो विकास हमारे गांव चांदड़ा का मुख्यमंत्री आए, जितनी भी घोषणा कर गए हो वह हमारे अक्सर 90% पूरे। तो क्या अगर आपको पार्टी ने टिकट दिया तो किस तरह के हालात रहेंगे, क्या कहेंगे? देखो, ये तो पार्टी को काम है, टिकट देना ना दे, पार्टी तो अपना। लेकिन अगर मिला तो आप मिला तो इंशाल्लाह उम्मीद है जीत हुई, जो आज पूरी क्रीम तो आखिर जो लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं क्या कारण माना जाए? तो पहले तो मुस्लिम समाज के लोग दूर भागते थे भाजपा से, आज जुड़ रहे हैं, क्या कारण? जब हमारे जो मेवात का जो ये 3-4 घर जिन्हें ठेक ले रखा उनने लोग उल्टा बक्का रखा, अब जब हमारी सरकार आ गई तब लोग पता पड़ो हर बात को, विकास भी हो रहा, बच्चा नौकरी लग रहा है, पब्लिक का जो भी काम है सारा सही हो रहा है, जो भ्रष्टाचार भी खत्म हो चुका, मनोहर लाल सरकार जो है बढ़िया काम कर रही है, हमारे जो मोदी जी प्रधानमंत्री है वाने भी हमारा जो पिछड़ा जिला मेवात जो 11 जिला मिली गई भी बहुत बड़ी बात है, हमारे मेवात खुश है, हमारी विरोध पर जे तो बिल्कुल खुश है। आज आपके सामने सारी क्रीम बैठी, सब चौधरी बैठा, दोबारा का चौधरी भी बैठो है आपके सामने, अपने नरियाला चौधरी बैठो, अपने बारह चौधरी, जितना भी चौधरी है सारा चौधरी, आज सारा जिम्मेदार आदमी है, इन्हें 99% और स्टेट में बैठा कोई भी लोग बाग जाके, अब भाई ये अब देख लो और अब गिन लिया, थैंक यू। और ये जब दोबारा चुनाव होगा जब तक हमारे साथ है, थैंक यू सर। तो ये सब एक